Hello, dear friends. Today, my topic is naming of hydrocarbons. Hydrocarbon का नामकरण. प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपके दो नाम होते हैं, घर पर आपको गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू के नाम से पुकारा जाता है, मगर कॉलेज में एक आपका जो नाम होता है वो हर जगह आपका वही नाम चलेगा. इसी तरह से कंपाउंड्स भी, उनके भी नाम होते हैं जो नाम रखे गए हैं. तो उनके जो एक तो कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है. तो IUPAC नेम वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे वही मिलेगा, और कॉमन नेम जो है वो लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है. तो सबसे पहले आपको IUPAC के फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए. क्या होता है IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री. ये IUPAC सबसे पहले ये आप सीख लीजिए. IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री. ये आपका ये पता होना चाहिए कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है. तो इस तरह से IUPAC नाम जो है सबका नाम रखा गया है, और कॉमन नेम जो है सबका अलग अलग होगा. जिस तरह से कार्बन अगर वन है तो उसे IUPAC में मेथ कहते हैं. इसी तरह से कार्बन अगर दो हैं तो एथ कहते हैं. तो ये अगर मेथ होगा और एल्केन है तो उसमें एथेन लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है मीथेन. इसी तरह से अगर इन है तो जाएगा मीथीन, और अगर आइन लगा हुआ है तो जाएगा मेथाइन. तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन अगर कार्बन C1 है तो इसका रिप्रेजेंट क्या होगा? मेथ. इसी तरह से C2 C6 हेक्सा, C7 हेप्टा. C7 होगा हेप्टा, और C8 ऑक्टा, C9 नोना, और C10 डेका. इस तरह से हम जब IUPAC नाम लिखेंगे इनके, तो हम कार्बन वन होगा तो मेथ में, अगर एन होगा तो एल्केन है, यानी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन लगा देंगे तो हो जाएगा मीथेन. तो यहां पर
अगर सैचुरेटेड हार्ट वाल्व है, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन अगर है तो उसमें एन लगेगा, अगर मेथ है क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन मीथेन। इस तरह से मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तो ये इस तरह से होता चला जाएगा। इसी में अब आपको मीथेन एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो CH4 में कार्बन कितने हैं, वन कार्बन अगर है तो हम क्या लेंगे, मेथ। तो इसका मेथ प्लस एन एल्केन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ये इसका IUPAC नेम है मीथेन। और जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होते हैं, मगर जब आएंगे हम सैचुरेटेड पर वहाँ पर बदल जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया सैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन, इसमें C2H4, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम थायलीन, इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC हमारी कुछ लिखेंगे तो इसमें क्योंकि कार्बन दो हैं इसलिए ये एथ हो जाएगा, एथ प्लस इसमें ईन लगेगा तो ये हो जाएगा एथीन, यानी कि ये कॉमन नेम हो गया इसका और ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये एथिलीन जो है वो कॉमन नेम और एथीन ये IUPAC नेम। इसी तरह से एसिटिलीन होता है। अब इसमें जैसे ही कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे ही एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये होते चले जाएंगे। और एसिटिलीन इसमें लेते हैं एग्जाम्पल है C2H2, इसमें इसका नाम क्या है, AC टाइलीन, और इसमें जो कार्बन दो हैं इसलिए ये इसका हो गया, ये जो हो गया एसीटाइलीन तो इसका हो गया कॉमन नेम हो गया इसका। नेम हो गया और इसका IUPAC नेम, IUPAC इसका क्या हो जाएगा, कार्बन दो हैं इसलिए यहां पे लगाएंगे हम एच, और इसमें जो है आयन लगता है तो ये आयन जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। यानी कि जो इसका IUPAC नेम जो एसिटाइलीन का IUPAC नेम है इथाइन। इसी तरह से इसमें IUPAC नेम C2H2 है, C3H4 है,
प्रोपाइन है, C4H6 है, ब्यूटाइन है। तो ये इनके नाम जो है वो कार्बन, जैसे ही कार्बन बढ़ते जाएंगे और इनके नामों में हम मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन ये हम लगाते चले जाएंगे। इस तरह बताया आपको एल्केन्स में, सैचुरेटेड में, वहाँ पर एन लगता है, वहाँ पर कार्बन अगर वन होगा तो मेथ, तो उसमें एन लग जाएगा तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, डेकेन। इसी तरह से जब हम इस पे आएंगे, इथाइलीन पे आएंगे, तो यहाँ पर इसमें लगता है ईन, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइन, मेथीन, मिथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉन एन, डेकीन, ये हो जाएंगे। इस तरह से जब आएंगे हम एसिटाइलीन पे, तो इसमें आइन लगता है, तो यहाँ पर मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, डेकाइन, नॉन आइन, डेकाइन। इस तरह से ये इनके नाम कार्बन के बढ़ते शील के नाम जो है बदलते चले जाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे करते हैं। फिर से हम बहुत ही शॉर्ट में इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको IUPAC की फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया। उसके बाद आपको कार्बन के बारे में, यानी जितने भी कार्बन होंगे उसके हिसाब से इसके नाम रख जाएंगे। अगर कार्बन वन होगा तो मेथ लगाएंगे, इस तरह से 2H और सैचुरेटेड है अगर तो एन उसमें लग जाएगा, यानी कि मेथेन हो जाएगा, और अगर अनसैचुरेटेड है तो उनमें ईन या आइन लग जाएगा, तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन और मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन। थैंक यू, टेक केयर।